नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल मंच पर स्वागत है। आज का विषय जो हम डिस्कस करेंगे और जिसके बारे में इंटरेक्शन करेंगे, उसका शीर्षक है लू लगना। लू लगना एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा आजकल होनी चाहिए, बिकॉज आजकल मौसम गर्मी का है, चाहे बारिशें आने वाली हैं, पर लू लगना क्या होता है इसके बारे में लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ नहीं है। लोगों के दिमाग में है कि लू लगने का मतलब होता है कि आप कड़कती धूप में जाएं, और कड़कती धूप में अगर आप खड़े होंगे तो जाकर आपको लू लगेगी और शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक बेशक मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में कमरे के अंदर हों और हवा चल रही हो बट गर्म हो और धूप ना भी हो तो भी लू लग सकती है। लू लगने का मतलब क्या होता है वो आप ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए किसी को शरीर में इन्फेक्शन है तो इमिजिएटली आप कहते हैं चलो एंटीबायोटिक दे दो, मरीज ठीक हो जाता है। अगर किसी को बुखार हुआ है, उसको टेम्परेचर है, मान लो उसको टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर है, किसी भी वजह से, टाइफाइड से, निमोनिया से, मलेरिया से, डेंगू से, कोविड से, तो हम क्या कहते हैं चलो इसको पैरासीटामोल दे दो, आधे पौने घंटे में इसका असर शुरू होगा पैरासीटामोल का, और बुखार आधे पौने घंटे एक घंटे में उतरना शुरू होगा, मरीज को पसीना आएगा और दो चार घंटे में बुखार उतर जाएगा। हम लोग ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले करते हैं कि पैरासीटामोल देने के बाद बॉडी सिस्टम में बुखार उतर जाएगा क्योंकि पसीना आएगा। लेकिन अगर किसी वजह से बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए और पैरासीटामोल जैसी गोली असर ना करे तो बुखार उतरेगा नहीं, उस स्टेट को लू लगना कहते हैं। होता क्या है कि हमारे ब्रेन में टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है और उसका काम होता है कि टेम्परेचर को फिक्स रखा जाए 98.4 डिग्री में, ऊपर नीचे एक दो पॉइंट डिग्री हो सकता है, 98.4 हो सकता है, 98 हो सकता है, 98.6 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन होती नहीं है। और इसकी वजह दिमाग में वो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, जिस प्रकार हमारे घर में गीज़र है और उसको हम सेट कर देते हैं कि 80 डिग्री टेम्परेचर रहे और उससे ऊपर नीचे ना जाए, उसी तरह कुदरत ने, प्रकृति ने हमारे ब्रेन में सेंटर बना रखा है जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। अगर किसी कारणवश ये प्रोसेस ख़राब हो जाता है, अगर किसी कारणवश ब्रेन का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ख़राब हो जाता है और टेम्परेचर उतर नहीं सकता क्योंकि पसीना ना आए, तो उस कंडीशन को लू लगना कहते हैं। क्योंकि हम सबको ये अच्छी तरह समझ आए कि हमारे टेम्परेचर को बदन से उतारने के लिए एकदम बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम है नर्व्स का कि पसीना आता है, पसीना आने में जब पसीना उड़ता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतरता है। और जब भी मान लो हम सर्दी में नहा के निकलते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो हम ठिठुरते हैं, तो ठिठुरते इसलिए कि हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो। तो कुदरत ने इस प्रकार के बहुत खूबसूरत वंडरफुल सिस्टम ईजाद कर रखे हैं और बना रखे हैं। तो अगर कोई पर्सन, प्रैक्टिकली ज़्यादातर ये लोग बुजुर्ग होते हैं, 60 ईयर्स प्लस, 65 ईयर्स प्लस, अगर वो अनकेयर्ड फॉर किसी गर्म सिस्टम में घर के अंदर हैं और बेशक पंखा चल रहा है, अगर वो पानी वानी नहीं पी रहे और डिहाइड्रेशन में है, तो ऐसे लोगों को सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है और लू लग सकती है। लू सीधा नहीं लगती, पहले पेशेंट को जनरली हीट एग्जॉशन होता है। हीट एग्जॉशन का मतलब होता है कि उसके शरीर में पसीना आता है, वो पानी कम पीता है, इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे डिहाइड्रेशन होती है, बॉडी का सिस्टम बिगड़ता जाता है और उसके बाद पर्सन को लू लग जाती है। इसीलिए हमारे जो सारे लोग तजर्बेकार जो गर्मी के सीज़न में रहते हैं, हमारी माएँ हमारे को बचपन कहती हैं बाहर जा रहे हो पानी पी के जाओ, शिकंजी पी कर जाओ, क्योंकि शिकंजी में ग्लूकोज भी होता है, नींबू भी होता है जिसमें पोटेशियम होता है, चीनी भी होती है, और चीनी होने से सारी एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की बेटर हो जाती है। इसलिए हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम में जो ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है कि आप अपने को हाइड्रेट करो, पानी पी के करो, तो उससे लू लगने का चांस कम हो जाता है।
अब लू के नुकसान क्या है, क्या होता है? लू में जान जाने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, बहुत बड़ा खतरा रहता है। और अगर किसी को लू लग जाए तो ये भी हो सकता है कि उसको जान ना बचे। इसलिए सबसे पहले तो है इसका प्रिवेंशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप गर्म माहौल से दूर रहें, जहाँ टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री से ऊपर है उसमें आप मत जाइए, और खूब पानी पीजिए और खूब गर्म वाले सिस्टम को गर्मी में बाहर अपने आप को एक्सपोज ना करो, स्पेशली अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो, अगर आप 60 ईयर्स प्लस हैं तो। क्योंकि जनरली ये लोग जो 60 ईयर साल से ज़्यादा के होते हैं ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बाकी बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं, और उन दवाइयों के ऊपर होने से, इम्यूनिटी कम होने से लू लगने का चांस बढ़ जाता है। और होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाएगा, बॉडी में, ब्रेन में जो प्रोटीन सिस्टम है वो कोएगुलेट करने लगता है। तो पेशेंट जो है हाई फीवर में, बुखार नहीं उतर रहा, तो ड्राउजी हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, इनकोहेरेंट बातें करने लगती है जो समझ नहीं आती, सीरियस कंडीशन में दौरा भी पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस को इमीडिएटली अगर लू लगने का शक है तो एडमिट कराना चाहिए। इलाज क्या दिया जाता है, पहले ये सोचा गया था 2013-14 में स्टडीज आई थी कि ऐसे मरीजों को ठंडे पानी में टब में बिठा दिया जाए, ये बहुत प्रचलित हो गया था, लेकिन ये हर एक के लिए उचित नहीं है। अगर पर्सन की उम्र 50-55 साल से ऊपर है तो इमेजिन करिए उसको ठंडे पानी में एकदम बिठाने से वो कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अगर वो बेहोश नहीं है तो ऐसा करने में तो उसको तकलीफ और बढ़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। ये भी सोचा गया कि ऐसे करने में उसको ठंड मिलने से वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, उसकी बॉडी से जो हीट लॉस होना था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आजकल ठंडे पानी में एकदम बिठा देना, ठंडे पानी से नहला देना 100% एक्सेप्टेड नहीं है। जो एक्सेप्टेड है वो ये है कि जहाँ से वेसल्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं, ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे एक्जिला है, ग्रोइन रीजन है, माथा है, चेस्ट है, इधर आप पट्टी करिए और पंखा साथ में चला के रखिए ताकि बॉडी की हीट निकलती रहे, और उसका टेम्परेचर जो है पानी का वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम हो, ताकि कन्वेक्शन थ्योरी से बॉडी का वो टेम्परेचर उसका कम होता रहे। और हम ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करते हैं। बट अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लू जैसी बीमारी में प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। अगर आप इससे बचेंगे तो वो वाली सिचुएशन ना आए, तो आप गर्मियों में अपने आप को ट्रॉपिकल कंट्रीज में, हिंदुस्तान जैसी कंट्रीज में प्लानिंग करिए, कम निकलिए। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो आप बहुत सोच के निकलिए, दिन को प्लान करिए, पानी पी के निकलिए और अपने आप को लगातार हाइड्रेट करते रहिए। तो इस तरीके करने से आपको लू लगने से बचाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मिस्ड मेरे इस तरीके के अपडेट कुछ फ़ायदा करते हैं, अगर आपको सही लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर लीजिए, और अगर आपको कुछ भी कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।